खुशखबरी दी है। मैं ये हदीस पढ़ के इंशाल्लाह ताला इसका माना करके फिर इजाजत जाऊंगा, हमारे आगे भी सफर है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जब इस्लाम आया तो इस्लाम उस वक्त भी गरीब और मदनी की हालत में था, कोई उसको जगह देने के लिए तैयार नहीं था। अबू जहल ने कहा मैं मक्का में नहीं छोड़ रहा इस्लाम को, जो भी इस्लाम का बच्चा आया इस्लाम का बेटा आया उन्होंने कहा नहीं मैंने इसको नहीं छोड़ना। मगर इस्लाम अपनी पावर से कड़ा है, इस्लाम अपनी ताकत से कड़ा है। इस्लाम ने फिर कर दिखाया कि अबू जहल जो कह रहा था मैंने मक्का में भी नहीं छोड़ना, इस्लाम फिर उसकी घर भी दाखिल हुआ, हजरत इकरमा भी ईमान ले आए। फिर एक वक्त आया इस्लाम के उरूज का, फिर मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया वसयऊदुका मा बदा, फिर उसके बाद वो दौर आएगा कि इस्लाम फिर से नाशना हो जाएगा। अभी आप देखें ना पूरी मुल्क में, सिर्फ अपने मुल्क की हालत देखिए, पूरी दुनिया का मैं नहीं कह रहा, सिर्फ अपने मुल्क को देखिए कि आपके सारे पूरे मुल्क में या कोई ऐसा सूबा जिला विलेज काउंसिल यूनियन काउंसिल ऐसा है जहाँ पर इस्लाम नाफिज हो? कोई एक फीट की जगह मुझे कोई बंदा दिखा सकता है जहाँ पर अल्लाह का कुरान नाफिज हो, अल्लाह का दीन जहाँ नाफिज हो? नहीं दिखा सकता। ना हमारे कचहरी में अल्लाह का निज़ाम नाफिज है, ना हमारे मईशत में माशरत में किसी भी चीज़ में भी नहीं। और वो कोशिश यही कर रहे हैं मगरब कि ये मुसलमान चाहे जितने भी सजदे करें लेकिन हुजूर के निज़ाम की बात ना करें, निज़ाम इस्लाम की बात ना करें। जब निज़ाम की बात करें तो उनको सियासी बना दो, उनके सब उनके मुखालफत करें और कहें कि नहीं तुम तो मुल्ला हो, तुम्हारा सियासत से क्या काम, तुम तो मुल्ला हो, तुम निज़ाम की बात क्यों करते हो, तुम जाके मसाइल बयान करो, तुम नमाज रोजा ज़कात के मसाइल बयान करो। ये हमारा जहन जो बन चुका है ये खुद से नहीं बना, ये आलम कुफर ने बनाया है, ये उनके कारिंदों ने बनाया है कि जो निज़ाम आया ही उस तरफ से है, उसके लिए नहीं नहीं आपका काम ही नहीं है। फिर आगे से हम कहते हैं कि हूँ मैं तो सुन्नी अकीदी में भी यही हूँ लेकिन मैं फलां के साथ हूँ जिन्होंने 73 साल से हुजूर के दीन का रास्ता रोका, जिन्होंने निज़ाम इस्लाम का रास्ता रोका, जिन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा का रास्ता रोका। बाबा जी फरमा देते कि मोमिन की पहचान यही है, कुरान में है कि उसके दिल में जो उसके सीने में एक दिल है, और अल्लामा इकबाल ने फरमाया दिल ब महबूबे हिजाजी बसतैम इजहद बयक दिगर पे वसतैम, कि मेरा दिल एक ही है। ये नहीं है कि ये सियासी हो गया, ये मजहबी हो गया, ये किसी और के लिए दिल एक ही है, और वो एक दिल मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम।